हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन चार सिद्धांतों के बारे में, उन चार प्रिंसिपल्स के बारे में जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमान एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा बताए गए हैं। उनका मानना था कि ये जो चार नियम हैं, ये जो चार प्रोमिसेस हैं, वो हर स्टूडेंट को और हर इंसान को खुद पर अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान इनको अपने जीवन में उतार लेता है और उनको फॉलो करता है, तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उस इंसान के कदमों में ना गिर जाए। इन चारों प्रिंसिपल्स को हम पूरी डिटेल्स में समझेंगे ताकि आपको इनको फॉलो करने में आसानी रहे। तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसकी एक भी सेकंड बर्बाद ना करें, क्योंकि इसका एक एक शब्द बहुत कीमती है। रूल नंबर वन, हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव ग्रेट एम। दोस्तों, सन 1958 की बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके पायलट बनने के लिए सारी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 सीट ही थी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 9वें नंबर पे थे। अब उनका सिलेक्शन केवल तभी हो सकता था जब उनके ऊपर के 8 कैंडिडेट्स में से या तो कोई अपनी वैकेंसी छोड़ दे या फिर मेडिकल में आउट हो जाए। लेकिन उनको इस बात का काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि उनका केवल एक रैंक की वजह से वो सिलेक्शन से आउट हो गए। लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया कि इट वॉज ए डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी, बट डिसअपॉइंटमेंट कुड नॉट डिफीट मी। यानी कि मैं निराश जरूर हुआ था, लेकिन निराशा कभी मुझे हरा नहीं सकी। उन्होंने ठान लिया था कि भले ही पायलट बनके एयरक्राफ्ट ना उड़ा सकूं, लेकिन एक इंजीनियर बनके, एक साइंटिस्ट बनके मैं एयरक्राफ्ट जरूर बना सकता हूँ, मिसाइल बना सकता हूँ, रॉकेट बना सकता हूँ। और दोस्तों, ये तो किसी को नहीं पता कि अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनते तो वो कहाँ तक पहुँच पाते। लेकिन उन्होंने इस बात को जरूर साबित किया कि अगर वो पायलट नहीं बन पाए तो उन्होंने मिसाइल्स और रॉकेट जरूर बना दिए। और वो भले ही इंडियन एयरफोर्स के पायलट नहीं बन पाए, लेकिन राष्ट्रपति जरूर बने, जो कि तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं और तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी होती है। दोस्तों, उनका कहा गया रूल नंबर वन कि हमेशा अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव ग्रेट एम, मैं अपना लक्ष्य ऊंचा रखूंगा। ये प्रॉमिस हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें। रूल नंबर टू, दोस्तों रूल नंबर वन के बाद में बात करते हैं रूल नंबर टू की। रूल नंबर टू है, हमेशा अपने आप से बोलिए कि आई विल कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज, यानी कि मैं हमेशा लगातार ज्ञान हासिल करता रहूंगा। दोस्तों, अब उनके इस दूसरे रूल को हम उन्हीं की जीवनी से समझते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक इंजीनियर थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे मिशन को लीड किया और सक्सेसफुल भी रहे। उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीते। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये माना कि वो अपने आप को एक टीचर समझते हैं, वो अपने आप को एक अध्यापक समझते हैं। और उनको सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब उनका कोई स्टूडेंट पीएचडी पूरी कर लेता है। यानी कि उनकी लाइफ में अगर सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज थी तो वो थी एजुकेशन, नॉलेज। उनका मानना था कि एजुकेशन के लिए, यानी कि ज्ञान के लिए, जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो होता है स्टूडेंट लाइफ। और किसी भी इंसान की सक्सेस के पीछे उसकी एजुकेशन का, उसके नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका ये मानना था कि अगर एक स्टूडेंट का सबसे प्राइमरी कोई जॉब है तो वो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। एक विद्यार्थी को एजुकेशन के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट एजुकेशन के अलावा कुछ और करना चाहता है तो वो वीकेंड्स में किसी हॉस्पिटल के बाहर गरीब लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर सकता है, उन्हें खाना दे सकता है, उन्हें खुशी दे सकता है, पेड़ पौधे लगा सकता है, दूसरे लोगों को भी शिक्षा दे सकता है। लेकिन इन सब कामों के बावजूद भी एक स्टूडेंट के लिए केवल नॉलेज हासिल करना ही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि आपको हमेशा अपने आप को ये याद दिलाना है कि चाहे कुछ भी हो, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, पहला रूल था अपने आप को याद दिलाना कि आई विल हैव ग्रेट एम, और दूसरा रूल है अपने आप को याद दिलाना कि आई विल कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज। इसके बाद में बात करते हैं रूल नंबर थ्री की। रूल नंबर थ्री, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तीसरा नियम था कि अपने आप से हमेशा ये प्रॉमिस करें कि मैं हमेशा हार्डवर्क करता रहूंगा, यानी कि आई विल डू हार्डवर्क। दोस्तों, 1973 की बात है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना है, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम सैटेलाइट रख करके उसको अंतरिक्ष में भेज सके। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। वो इस प्रोजेक्ट और मिशन के डायरेक्टर थे, यानी कि पूरी टीम को उनके नीचे काम करना था। उनके नीचे 1000 से भी ज्यादा दूसरे इंजीनियर थे और करीब 10,000 वर्कर थे। इनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इनडायरेक्टली इस मिशन से जुड़े हुए थे। इतनी बड़ी टीम को 6 साल का वक्त लगा प्रोजेक्ट शुरू करने से लेकर लॉन्च के दिन तक। 17 अगस्त 1979, इस तारीख को सैटेलाइट लॉन्चर का टेस्ट होना था। लॉन्च के 8 मिनट पहले सारा कंट्रोल कंप्यूटर के हाथों में दे दिया गया, लेकिन उसी वक्त एक चेतावनी आई कि लॉन्चिंग में कुछ दिक्कत है। लॉन्च के ठीक 4 मिनट पहले ये डायग्नोस किया गया कि लॉन्चर में कुछ लीक्स हैं।
लेकिन उनके टीम के जो एक्सपर्ट थे उनकी ये राय थी कि लीक्स के बावजूद भी रॉकेट में इतना सफिशिएंट ऑक्सीडाइजर है कि वो अपना लॉन्च जारी रख सकते हैं, और मिशन लीडर होने की वजह से डॉक्टर कलाम को ये डिसीजन लेना पड़ा कि वो रॉकेट को लॉन्च करेंगे। लेकिन लॉन्च के कुछ मिनट्स बाद ही वो रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में ना जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गया। 6 साल की मेहनत, हजारों लोगों के कई लाखों वर्किंग आवर्स, जनता का पैसा, और मिशन फेल हो गया 2 मिनट में। लेकिन जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रूल नंबर 3 में बताते हैं कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे, ठीक उसी नियम का अनुसरण करके डॉक्टर कलाम ने अपनी टीम के साथ 1 साल और कड़ी मेहनत करी, और प्रोजेक्ट के शुरू होने के 7 साल बाद आखिरकार उन्होंने साबित करके दिखाया कि कड़ी मेहनत आपकी असफलता को सफलता में बदल सकती है। यानी कि दोस्तों, हमेशा अपने आप से कहते रहें कि आई विल डू हार्ड वर्क। 4 रूल्स में से 3 रूल्स हमने समझ लिए। रूल नंबर 1 था, हमेशा अपने आप से कहे कि आई विल हैव ग्रेट एम। रूल नंबर 2, हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि आई विल कंटिन्यूअसली अक्वायर नॉलेज। और रूल नंबर 3 है, आई विल डू हार्ड वर्क। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4, दोस्तों जो कहानी मैंने आपको रूल नंबर 3 में बताई, जिसमें 7 साल बाद जाकर मिशन सफल हुआ, वहीं से निकल के आता है रूल नंबर 4, यानी कि हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहें कि आई विल प्रिजर्वेयर एंड सक्सीड। प्रिजर्वेयर का मतलब है लगातार काम करना, चाहे कितनी भी मुसीबत आए कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते रहना, अपने शब्दों पे और अपने वचनों पे कायम रहना, किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि आपके हौसलों को कम कर सके। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंखों में कुछ सपना है, जो कुछ करना चाहते हैं, वो काम करना शुरू करते हैं अपने सपनों पर, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी विल पावर कम होती जाती है। दोस्तों, आपको किसी भी कीमत पे अपने हौसलों को नहीं टूटने देना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि आप तब तक अपनी जिद मत छोड़िए जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, और आपका लक्ष्य है आपकी यूनिकनेस, आपका सबसे अलग होना, आपकी पहचान सबसे अलग होना, और आपके इस यूनिक बनने के सफर में आपकी मुसीबतों का सबसे अहम रोल होता है। अगर आपने अपनी मुसीबतों से डरना छोड़ दिया, उन पर से ध्यान हटाकर उनके हल के बारे में सोचना शुरू कर दिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया, तो आप किसी ना किसी दिन इस दुनिया में सफल जरूर हो जाओगे। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं इन 4 रूल्स को रिवाइज कर देता हूं। रूल नंबर 1, अपने आप को याद दिलाएं कि आपके पास में एक बहुत बड़ा सपना है। यू मस्ट हैव अ बिग ड्रीम। रूल नंबर 2, अपने आप को हमेशा याद दिलाएं कि आपको कभी सीखना नहीं छोड़ना है। मींस यू मस्ट कंटिन्यूअसली अक्वायर नॉलेज। रूल नंबर 3, कड़ी मेहनत करें, मेहनत में कोई कमी ना छोड़ें। और रूल नंबर 4, उस मेहनत को लगातार करते रहें, और ऐसा अगर आप करते रहोगे तो आप एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। दोस्तों, आज हमारे बीच में मिसाइल मैन, इंजीनियर, वैज्ञानिक और भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर नहीं है। जैसा कि उन्होंने बताया था कि वो अपने आप को एक अध्यापक ही समझते थे, उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग के स्टूडेंट्स को एक लेक्चर देते हुए ली, जिस लेक्चर का टॉपिक था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लेनेट अर्थ। वो 4,000 वर्ड्स का उनका लेक्चर अनफिनिश्ड ही रहा। मानो उनका कहना ये था जाते जाते कि वापस फिर आऊंगा लौट के, लेकिन प्रकृति के नियम को कौन बदल सकता है। आइए आज हम एक शपथ लें कि जो रास्ता हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने हमें दिखाया, उस पर हम लगातार आगे बढ़ते रहें और अपने वचनों पे कायम रहें, और अनंत समय तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को हमारे खुद के अंदर जिंदा रखें, और पूरी दुनिया को दिखा दें कि हिंदुस्तान से बेहतर कोई दूसरा देश नहीं हो सकता। अपने सपनों का पूरी रफ्तार के साथ पीछा करते रहिए, और देश में खुद के साथ साथ दुनिया में देश का नाम भी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।